ये मर्डर किया गया हमारे भाई का, क्योंकि इस देश के अंदर आप इतिहास उठा के देख लो, जिसने भी देश के बाद इस सत्ताधारियों के खिलाफ, इस दिल्ली के खिलाफ आवाज उठाई है, उसका इसी साजिश के द्वारा मर्डर किया गया है। पूरी गाड़ी, आधी गाड़ी डैमेज हो रखी है, ऊपर से छत फोल्ड हो रखी है, उसके अंदर बैठी एक चिड़िया भी नहीं बच सकती, जहां पे उसको दिखाया गया कि एक लड़की बची हुई है। उसकी साजिश की तह तक जाएंगे, सच्चाई अब ना थोड़े दिन में सामने आएगी, हिसाब करेंगे जिसने भी हमारे भाई के साथ ये साजिश की है। पूरे देश के अंदर हमारे भाई की कोई आवाज उठाने वाला नहीं मिला। देखो, तीन दिन पहले जब हमारे भाई का वहां एक्सीडेंट हो जाता है, उसी समय में वहां जाके मैंने लाइव गाड़ी से और वो सारा वीडियो और वहां के फोटो सभी साथियों को दिखाए। वहां पे मीडिया आने के बाद मीडिया वालों को मैंने बताया कि हमारे भाई की साजिश, एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर किया गया हमारे भाई का। क्योंकि इस देश के अंदर आप इतिहास उठा के देख लो, जिसने भी देश के बाद इस सत्ताधारियों के खिलाफ, इस दिल्ली के खिलाफ आवाज उठाई है, उसका इसी साजिश के द्वारा मर्डर किया गया है। आप उस गाड़ी को देखोगे, मैंने मीडिया को भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फोटो दे दिए थे, वीडियो भी वहां की दे दी थी, पूरी गाड़ी के अंदर की, पूरी गाड़ी, आधी गाड़ी डैमेज हो रखी है, ऊपर से छत फोल्ड हो रखी है, उसके अंदर बैठी एक चिड़िया भी नहीं बच सकती, जहां पे उसको दिखाया गया कि एक लड़की बची हुई है। उसमें देखो जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ है, फोटो वीडियो उसमें आप लगाओगे, अंदाजा भी लगाओगे, उस गाड़ी के अंदर वो लड़की मौजूद नहीं थी। अगर वो मौजूद होती, आप अंदाजा लगा लो, 100-120 की स्पीड में अगर गाड़ी ट्रक से टकराएगी तो सबसे पहले उसका सिर सामने फ्रंट से टकराएगा, उसके सिर में चोट लगनी थी। मैंने गाड़ी में देखा है, आगे पीछे फ्रंट और बैक सब, पूरी गाड़ी में खून के छींटे लगे हुए हैं, क्या उस लड़की के बॉडी पे एक भी खून का छींटा नहीं लगा? आप ये चीज देखो, कितनी गहरी साजिश हमारे भाई के साथ की है। सिंह बॉर्डर पे हम मिलते थे, हम साथ रहे, बहुत ज्यादा दुख है, हमने अपना भाई खो दिया। देखो इताना सा सरकार का, इनका सिस्टम रहा है, जो भी खिलाफ बोले, जो भी आवाज उठाए, उनको कैसे न कैसे दफनाया जाए, कैसे न कैसे खत्म किया जाए। अब से नहीं, पुराना इतिहास रहा है। और इस मर्द कौम का, आप लोगों को तो हम मर्द कौम बोलते हैं, जिसने 700 साल तक अपने आप को स्थापित किया पूरी दुनिया पे, आपको आज राज है। आज आपके पास वो बंदा मौजूद नहीं है, एक बंदा आपने 1984 में खो दिया। आज जब वो आपने खो दिया, उसके तुरंत बाद आपके यहाँ दीप सिद्धू पैदा हुआ, वही 37 साल की उम्र में वो भाई हमारे बीच से चला गया, उनकी भी 37 साल की उम्र थी। आप बहुत सारी चीजें जोड़ के देखोगे ना, पता है बहुत कुछ साजिशें हैं। जब ये एक्सीडेंट हुआ, मर्डर हुआ, मैंने मान साहब के परिवार से संपर्क किया, मैंने देखा कि यही परिवार है जो पंजाब में हमारे भाई की आवाज उठा सकता है। तो मान साहब के परिवार ने कहा, आप यहाँ आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसकी साजिश की तह तक जाएंगे, सच्चाई अब ना थोड़े दिन में सामने आएगी, हिसाब करेंगे जिसने भी हमारे भाई के साथ ये साजिश की है। ये देखो उस गाड़ी को, आप देखोगे पहले बोला गया, वहां के अधिकारियों ने बयान दिया कि ट्रक खड़ा हुआ था, ट्रक खड़े, ट्रक में टक्कर लगी है। बोले पहली लाइन में ट्रक खड़ा था, अगर पहली लाइन में ट्रक खड़ा होता तो उसको अगर टक्कर लगती है, पूरी गाड़ी की लगती है, राइट साइड से कभी लग ही नहीं सकती। दूसरी लाइन में कहने लग रहे हैं ट्रक खड़ा था, ट्रक खड़ा होता है वहां पे, इतनी स्पीड से गाड़ियां चलती हैं, अगर एक्सीडेंट होगा तो 5-7 गाड़ियां कम से कम चपेट में आनी थी। ऐसा कुछ वहां नहीं है, पुलिस ने ऐसा क्या हो गया, वहां पे अधिकारियों ने अलग अलग बयान देने पड़े। मैंने पूरी गाड़ी की वीडियो बना रखी है, ये जैसे पहले नशे से हमारे पंजाब को जोड़ते रहे हैं, ऐसा इसमें किया, ये दिखाया गया कि हमारी उस गाड़ी के अंदर दारू की बोतल मिली है, 120 की स्पीड में लगने के बाद बताओ सीट के ऊपर दारू की बोतल कैसे रह जाएगी, वो सीट के नीचे जानी थी, जो वीडियो में दिखाया गया बोतल सीट के ऊपर ऐसे कैसे रखी, वो हिली नहीं है। और दूसरा देखो, आपको क्या नौबत आ गई, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, जो तलवार रखने वाले लोग हैं, जो दूसरों की रक्षा करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने आज क्या नौबत आ गई, आज हाथ में झाड़ू लेना पड़ रहा है। उस मर्द को हमको जो तलवारें उठाकर पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़ी है, अपना वजूद कायम किया, पूरे देश पे, पूरी दुनिया में आपने राज किया है। सबसे बड़ा उदाहरण था जब किसान आंदोलन चला हुआ था, पूरी दुनिया के अंदर एक भी देश ऐसा बता दो जिसकी संसद चलने दी हो,
जिसकी संसद पूरे देश के अंदर किसी भी संसद कोई भी संसद चली हो तो सभी के सदस्य आप पंजाब के नौजवान आपके बेटों ने आपके बुजुर्गों ने जो वहां पे हैं वहां पे विरोध किया है काले झंडे दिखाए इसी ताकत के आगे झुके इस तानाशाह मोदी ने इसी ताकत के आगे झुके कि अगर मैं यहाँ भी सेफ नहीं हूँ दूसरे देशों में भी सेफ नहीं हूँ उसकी इज्जत नहीं रही उसी चीज को आपकी ताकत को देख के ये झुके है ना हिटलर तानाशाह कभी झुकने वाला नहीं था और अब भी यही कहने लग रहा हूं जब ये देखो ऐसे समय में जब हमारा युवा हमारे बीच से चला गया उस समय में आपके साथ कौन खड़ा है। मैं मान साहब के परिवार को पहले नहीं जानता था जब वो एक्सीडेंट हुआ मान साहब के परिवार से संपर्क किया ये देखो जब आपका बेटा आपके बीच से चला गया तो आपके साथ कौन खड़ा है। क्या ये केजरीवाल क्या ये बीजेपी ये आपके बेटे के साथ खड़ी हो जाएगी जिस बीजेपी से हमने लड़ाई करते 20 लड़ाइयां जीत के आए हैं क्या मजबूरी होगी उस दिल्ली के आगे आपने झुकना पड़ रहा झाड़ू पकड़नी पड़ रही है। बहुत सारी बातें हैं आपका इतिहास आपके हाथ में अभी आपने ये देखना है आपने हाथ में झाड़ू रखना है या आपने अपने हाथ में जो बाबा साहब ने जो महाराज जी ने हमारे को तलवार दे रखी वो रखनी है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा लास्ट में के जिस परिवार ने बुरे वक्त में जब हमारा भाई 37 साल की उम्र पूरी करके हमारे बीच से चला गया कौन सा परिवार पूरे पंजाब से आपके साथ खड़ा उस परिवार के साथ खड़े हो जाओ जो आपके साथ बुरे टाइम में खड़ा। पूरे देश के अंदर एक भी पार्टी का ट्वीट कोई पोस्ट दिखा दो जिसने दीप सिंह दुभाई के बारे में ये लिखा हो ये एक्सीडेंट नहीं ये मर्डर हुआ है साजिश रची गई है एक भी परिवार दिखा दो। एक मान साहब के परिवार ने खुल के बोला तो आपको इस समय अपने भाई का बदला लेने का और इसके साथ खड़े होने का समय है अपने बेटे के साथ खड़े हो जाओ और इनका साथ दो क्योंकि आज जो बुरा वक्त है अकेला ये परिवार आपके साथ खड़ा है। जय जवान जय किसान।